पहुंच गए बाप के पास। बच्चे टुट टुट प्रातः सब लोग मिल गए हैं, सब ठीक है ना? हाँ, क्या हुआ? अरे बाप, कुछ तो बताइए, हुआ क्या? हमारे बच्चों को बचा लीजिए, हमारे गुंडों खिड़की सब उसके दामन के कब्जे में, अगर आप लोगों की वजह से हमारे बच्चों को कुछ भी हुआ तो क्या? गुनगुन गई है अपनी अपनी सिंगिंग कंपटीशन के लिए और हम सब चाहते हैं कि वो जीत कर आए और एज यूजुअल हम छोटी मोटी चीज़ तो करते नहीं, तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है जो आप एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ अ लाइफ टाइम वॉच ऑन टेलीविजन। मैं जिस सीक्वेंस की और जिस ड्रामा की बात कर रही हूँ, जिस स्टोरी की बात कर रही हूँ जो आगे अनफोल्ड होने वाली है, वो आज तक शायद टेलीविजन पर किसी ने शूट नहीं की होगी, किसी ने दिखाई नहीं होगी और ये सीक्वेंस बहुत ही लाजवाब होगा। ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी नेल बाइटिंग। और जहाँ गुनगुन, राधा और मोहन इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज़ हमेशा ओवर द टॉप ही होती है और माइंड ब्लोइंग होती है। दिवाली आ रही है, दिवाली, ओ दिवाली इज़ माय फेवरेट फेस्टिवल। मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ दिवाली को लेकर। मुझे बचपन से ही रंग और लाइट्स और कलर्स का बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, और मेरे घर में हर साल अलग अलग थीम के हिसाब से मैं अपना घर डेकोरेट करती हूँ। तो बस इस साल की थीम आज से शुरू हो गई है, सो दिस होल ईयर इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट थीम। एंड मुझे बड़ा मज़ा आता है घर सजाने में, और लक्ष्मी पूजन एंड बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें। सो या दिवाली इज़ फन फॉर मी।